करना है कि dy/dx को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय dx/dy देखें यहाँ पे dy/dx है और 1 फिर dx ऊपर चला जाएगा और dy नीचे ये हमने प्रूफ करना है हम सपोज करते हैं कि इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f x की हर एक वैल्यू इस फंक्शन f के डोमेन में है तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होता है वाई के यानी एक्स ये वाई फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे एक्स इसका डोमेन है यानी ये वैल्यू हम पुट करते हो मिलती है ये फंक्शन है एंड फॉर ईच y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी अगर वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g है तो हमारे पास जी ऑफ क्ल टू एक्स देन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ इच अदर देखें इस फंक्शन एफ में जब हम एक्स पुट करते हैं तो हमें वाई मिलता है इस दूसरे फंक्शन जी में जब हम वाई पुट करते हैं तो हम एक्स मिलता है यानी एक दूसरे के इन्वर्स है यहां पर एक्स डोमेन ऑफ द फंक्शन है यहाँ पे क्योंकि देखें हम वाई वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शन जी में वाई पुट कर रहे हैं तो ये वाई इस जी फंक्शन का डोमेन है जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन है जब इस फंक्शन में हम एक्स पुट करते हैं तो हमें वाई मिलता है और इस दूसरे फंक्शन में जब हम वाई पुट करते हैं तो हमें एक्स मिलता है तो फिर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं यानी एक दूसरे के असर को देखें ये काट देते हैं एफ वाई एक्स को कन्वर्ट कर रहा है और ये फंक्शन जी वाई को दोबारा एक्स में कन्वर्ट कर देता है इस तरह साइन और साइन इनवर्स दो आपस में इनवर्स फंक्शन इन साइन थर्टी होता है और जब इस जीरो पॉइंट फाइव को हम साइन इनवर्स में पुट करते हैं तो हमें थर्टी मिलता है तो इस वजह से साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है अब हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है एक जी है और दूसरा एफ है इसके साथ ये जो नॉट है ये कॉम्पोजिट फंक्शन को शो करता है तो जी कॉम्पोजिट एफ किस पे अप्लाई करते हैं के ऊपर तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स तो वाई के इक्वल है और जी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है तो देखें क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो ये आपस में कैंसिल हो गए और इससे दोबारा एक्स आ गया इसका मतलब है इसने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया इसको अगर अपोजिट लिख लें एफ को पहले लिख लें और जी को बाद में और इस पे आप ये अब ये कंपोजिट फंक्शन वाई पे अप्लाई करते हैं तो एफ जी ऑफ वाई एफ जी ऑफ वाई तो एक्स के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो इसकी जगह वाई ले तो देखें एफ और जी नॉट ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और ये वाई इसी तरह आ गया यहाँ पे जी नॉट एफ ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और इस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा ये वापस आ गया इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है अब हम इस फंक्शन को लेते हैं एक्स इज टू जी ऑफ वाई इस पे चेन रूल अप्लाई करते हैं बाय चेन रूल हम x का डेरोटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं डी एक्स बायप एक्स का डेरावेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे देखें क्योंकि x किस पे डिपेंड कर रहा है y पे हम x का डरोवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे डी एक्स बाय डी वाई और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे क्योंकि x y पे डिपेंड कर रहा है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो x का डेरिवेटिव मैंने विद रिस्पेक्ट टू y लिया और फिर y का डेरिवेटिव मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो चेन रूल के मुताबिक dx dy x किसके इक्वल होगा dx dy dy dx और देखें यहां पे dy और dy कैंसिल हो जाता है dx dx यही आता है dx dx है 1 आता है dx बाई डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इस डी एक्स बाई डी वाई को इस साइड पर ले आए तो वन डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू यहां पर रह जाएगा डी वाई बाय डी एक्स तो ये प्रूव हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी वाई ये हमने प्रूव करना था ये रिजल्ट हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थ्री में यूज़ करते हैं जब हम डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशंस को फाइंड करते हैं एग्जांपल 12 में हमने ये वेरीफाई करना है कि dy by dx इज डीक्यूल टू वन डिवाइडेड बाय dx by dy हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये हमारे पास y के इक्वल होता है y ड होल होल क्यूब. क्यूब. अब इसका डेरिवेटिव चेंज रूल के जरिए पहले हम ये एक्सटर्नल फंक्शन लेते हैं पहले हम इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ये थ्री नीचे आ जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री और थ्री में से वन माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री फोर एक्स माइनस थ्री थ्री माइनस वन इज टू यहाँ पे आप फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें एक्स रह जाता है डी एक्स बाई डी एक्स वन के इक्वल है और माइनस थ्री कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है डी वाई बाई डी एक्स इज एक टू थ्री फोर दौर एक्स माइनस थ्री और फोर वन दोर फोर माइनस जीरो इज फोर तो यहाँ फोर थ्री द्वेल्व आ जाता है अब हमने ये प्रूव करना है कि dy वाई बाई डी एक्स इज एकवल टू वन डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी वाई डी इज By, dx by dy. ये dy dx है, ये तो dx dy, ये है वाली वाली वैल्यू वैल्यू तो जब ऊपर आ जाएगी और ये नीचे तो ये वन बाय में हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे वन है तो वन ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी तो मैं डी एक्स बाय लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फोर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर डी वाई इज़ इक्वल टू वन ये ट्वेल्व ऊपर आएगा एक दफा ट्वेल्व ऊपर आएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगी और फिर ऊपर आएगा तो दोबारा ट्वेल्व हो जाएगी और ये फोर एक्स माइनस थ्री पावर टू एक दफा यहाँ पे ये वैल्यू आएगी तो पावर माइनस टू और फिर ऊपर आएगी तो पावर प्लस टू ये दो दफा ऊपर आएगा तो फोर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वा ट्वेल्व वन ऑर ट्वेल्व इंटू फोर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर तो ये हमें वेरीफाई हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो वन बाय डी एक्स बाई डी वाई के इक्वल है अब हम इस बी पार्ट को सॉल्व करते हैं एफ आफ एक्स जिसको हम वाई भी कह सकते हैं फिफ्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस वन और ये जो स्क्वेयर रूट है आप इसको वन बाई टू कह लें अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ वाई हम कह लेंगे एफ ऑफ एक्स को हम हटा देते हैं ताकि हम इस फार्मूले में इसको पुट कर सकें आप इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं और डी वाई बाय डी एक्स भी कहेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ फिफ्टीन एक्स प्लस वन होल पावर वन बाय टू इज इक्वल टू पावर रूट वन बाई टू फिफ्टीन एक्स स्क् प्लस वन और इस पावर में से वन बाई टू में से वन माइनस करेंगे अब ये जो इनर फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेना है डी बाय डी एक्स ऑफ फिफ्टीन एक्स स्क्स वन वन बाई टू फिफ्टीन एक्स स्क् प्लस वन वन बाई टू इससे आता है माइनस वन जब हाफ वन में से चला जाएगा तो हाफ रह जाएगा और साइन इस बड़े का लगेगा क्योंकि वन बड़ा है वन बाई टू से तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई टू अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फिफ्टीन को बाहर निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क् इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे वो प्लस वन का अलग डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वन वन बाई टू क्योंकि इसका पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आते हैं फिफ्टीन एक्स स्क् प्लस वन और माइनस वन बाई टू नीचे आके इसका पावर पॉजिटिव वन बाय टू हो जाएगा फिफ्टीन एक्स स्क्वेयर का डरावेटिव पावर रूल तो टू एक्स और टू में से वन माइनस टू पावर वन आता है और कांस्टेंट का डेरावेटिव ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स इज एक टू यहाँ पर देखिए ये टू एक्स है और ये असल में आपस में मल्टीप्लाई है इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं तो ये टू इस टू के साथ कैंसल फिफ्टीन एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा फिफ्टीन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे है फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन बाई टू को आप इस तरीके से स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं अब ये वेरीफाई करना है नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टू वन डिवाइडेड ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है तो जब डी एक्स ऊपर चला जाएगा और dy नीचे तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे तो डी एक्स बाय की जगह हम लिख लेंगे प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन देखें ये फिफ्टीन एक्स यहाँ पे है इसको एक स्टेप ऊपर लेकर आएंगे तो ये फिफ्टीन एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा और फिर दूसरा स्टेप ऊपर लेकर आएंगे तो ये दोबारा फिफ्टीन एक्स हो जाएगा पावर फिर वन हो जाएगा और वन हम नहीं लिखते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पे है फिफ्टीन एक्स स्क्स वन अंडर रूट देखें इससे फिर डी वाई बाई डी एक्स आ गया है तो इससे ये भी वेरीफाई हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज एक टू वन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स बस लास्ट में इसको तो दोबारा लिख लें डी वाई बाई डी एक्स इज एक टू वन को फिफ्टीन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा फिफ्टीन एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन एक्स स्क् Plus one, or is square root.